नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, आज हम पंजाब पुलिस की एक ऐसी बर्बरता आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि किस ढंग से एक कार के अंदर जब दंपति बैठा था और पुलिस ने उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा। आपको बता दें कि उस दंपति के साथ एक छोटा बच्चा भी था। गाड़ी कुछ ही दूर आने के बाद में रुक जाती है। पुलिस के अधिकारी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही कार चालक युवक गाड़ी से नीचे उतरता है तो एक पुलिस अधिकारी ने उससे चमाटा जड़ दिया। इतना ही नहीं, दूसरे पुलिस अधिकारी ने गाड़ी से कार की चाबी निकाल ली। हालांकि इस वीडियो को देखने पर साफ नज़र आ रहा है कि युवक गाड़ी में कार के जो कागजात हैं वो दिखाने के लिए अधिकारी की तरफ ही बढ़ रहा था। हालांकि पुलिस के रोकने के बाद गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं गई थी, बल्कि 10-20 कदम ही आगे बढ़ी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि गाड़ी को साइड में लगाना था। लेकिन इससे खफा होकर पुलिस के कर्मचारियों ने उसके साथ बर्बरता की। हालांकि इसकी शिकायत बठिंडा पुलिस अधीक्षक को भी दे दी गई है, जिस पर उन्होंने जांच के 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी भी इज्जतदार व्यक्ति की जो सड़क पर जा रहा है उसकी बेइज्जती करने का अधिकार पुलिस के पास आ जाता है? क्योंकि पुलिस को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पुलिस के पास अधिकार होता है कि वो चालान काटे। गाड़ी रुक जाने के बाद युवक को चांटा मारने का पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं, अधिकार गाड़ी से चाबी निकालने का भी नहीं, और ऊपर से जब गाड़ी के अंदर दंपति बैठा हो और उनके साथ छोटा बच्चा हो। ऐसे में पुलिस का भी फर्ज बनता है कि बच्चे और दंपति का ख्याल रखें। ऐसे ही बहुत सारी करतूतों के कारण पंजाब पुलिस अक्सर सुर्खियों में रहती है। खैर, देखना होगा कि पंजाब पुलिस इन अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। आप देख रहे हैं पल-पल की यह विशेष रिपोर्ट। Yeah, I'm going to go.